हजारीबाग के पेलावल थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुए हिंसक झड़प में असामाजिक तत्वों का हाथ बताया जा रहा है। इसका खुलासा हजारीबाग के एसपी कार्तिक एस ने किया। एसपी ने बताया कि सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इसके बाद 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिससे पूछताछ की जा रही है। लगभग 350 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। एसपी ने घटना के बाद आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सच्चाई है, रियल फैक्ट्स है, उसको दबाते हुए जनता के इमोशंस के साथ खेलने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि हजारीबाग शहर में कुछ लोगों को जो है कैंडल मार्च के नाम पे इधर ला करके कुछ दंगा कराने का नीयत से कुछ लोग निकले हुए थे, जिसको हम लोग टाइमली इंटरवीन करके इसको कंट्रोल कर दिए। इसमें ऑलरेडी 7-8 आदमी हिरासत में है, जिनसे पूछताछ जारी है, और भी हम बहुत लोगों का तलाशी में पुलिस लगी हुई है। उनका यही कहना है, हाफ बेकड इंफॉर्मेशन, अनवेरीफाइड स्टोरीज, इसके आधार पर कोई जो है अपना इमोशंस को कहीं सोशल मीडिया में शेयर मत करिएगा, और अपना ओपिनियन